चलो अब आज हम इसको रेंडर करेंगे। तो बीच में हमें यहाँ पे राउंड करना था, यहाँ पे इस एरिया पे सर्कल बनाना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉलीगन हम सारे सेलेक्ट कर लेंगे। तो टॉप व्यू में जाते हैं, ठीक है, सारे पॉलीगन सेलेक्ट कर लिया। अब देखो तो नीचे के भी सेलेक्ट हो रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमें, तो इनको डी सेलेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको करना है यहाँ से एक्सट्रूड, ठीक, और हल्का सा आपको, ओ सॉरी, ऑफसेट, इसको बहुत माइनर से देना है। अभी जैसे 0.02 के अराउंड देखता हूँ, 0.01, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे देखो, और थोड़ा कम करते हैं, 0.001, बिल्कुल माइनर सा। प्लस मैं क्या करता हूँ, इसमें एक डिवीजन भी डाल देता हूँ सेंटर में, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। अब इसको सेलेक्ट करके आप इसमें कलरफिल कर सकते हो इतने एरिया में, या फिर वही टॉप व्यू से जाके अगेन सिलेक्शन बना के आप इसमें डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हो। तो अब हम कलर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, अब ये सारा ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। तो हमें इसके फेसेस सेलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डालने पड़ेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, और सॉरी, असाइन न्यू मटेरियल, और यहाँ से आप डालोगे AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसके अंदर आप चेंज करोगे। अब जैसे इसकी इतनी सारी हिस्ट्री, आप इसको क्लियर कर लो, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ताकि आपके जो इतने भी अपने जो भी इसमें एक्सट्रूड एंड ऑल ये सब किया था वो सारा क्लियर हो जाए। और यहाँ से हम पहले इसको तो रेड कलर डालते हैं, तो हम कलर इसी से पिक कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कलर पिकर है, और यहाँ से आपको कौन सा डार्क रेड चाहिए, लाइट रेड चाहिए, उस हिसाब से। वैसे तो थोड़ा डार्क होता है, तो हम डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मैंने हमेशा बताया कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, और इसको मैट फिनिश में रखना है, तो रिफ्लेक्शन को कम कर दो, तो थोड़ा सा रफनेस इंक्रीज। अब इसमें ये वाला एरिया जो है वो मेटल का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करके आइसोलेट, ठीक है, और फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं सारे यहाँ से वहाँ तक, और इस पे असाइन न्यू मटेरियल, ये स्टैंडर्ड सरफेस, और इस पे हम डाल देंगे प्रीसेट से क्रोम। मेटल होता है सिल्वर, मतलब क्रोम लुक आता है, तो यहाँ पे क्रोम को कर दोगे आप इसके साथ रिप्लेस, तो ये आपका क्रोम बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचा, इसको भी आइसोलेट करो। इसमें हमें क्या करना है, ये जो ऊपर ऊपर का पोर्शन, इसको गोल्ड का बनाना है, मतलब वो जो कॉपर या गोल्ड जो लुक आती है वो वाली। तो सिर्फ ऊपर के फेसेस सेलेक्ट करो, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखो, मैं व्यूज में जाके सेलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर एरिया में जाके आप सेलेक्ट करो, जैसे मान लो अगर पर्सपेक्टिव से मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो काफी डिफिकल्ट है। तो इसलिए या तो मैं फ्रंट व्यू या साइड व्यू से सेलेक्ट करूंगा, जहां से वो मुझे दिखे ढंग से। और ड्रैग भी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ जितना मुझे नीचे चाहिए, ऊपर कितना भी ड्रैग कर लूँ कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर यही मुझे सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी थी, तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करता ऐसे। तो ड्रैग जो आप करोगे उसका ध्यान रखना बस। असाइन न्यू मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसको यहाँ से प्रीसेट से चेंज कर दो, कॉपर कर दो, या गोल्ड करना है गोल्ड कर दो, ठीक है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन देगा। ये हो गया। अब ये बचा, अब इसमें ड्यूअल शेड है, एक डार्क है और एक लाइट है, तो इसको ले लेते हैं और इसको भी लेके आइसोलेट। तो सबसे पहले तो पूरे ऑब्जेक्ट पे एक जो टोन है वो डाल देते हैं, ये वाला डार्क वाला। तो असाइन न्यू मटेरियल, अगेन इसकी भी हिस्ट्री डिलीट करेंगे, बहुत सारे जो हिस्ट्री है इसकी, एडिट, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री।
जैसे जो टूल्स आपको बार बार यूज़ करने हैं फ्रिक्वेंटली, उनके शॉर्टकट आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे फ्रेज ट्रांसफॉर्म हो गया, और जैसे हिस्ट्री डिलीट का मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इन दोनों इस पे जाके शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप क्लिक कर दो, आपका आ जाएगा हिस्ट्री, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। असाइन न्यू मटेरियल, यह स्टैंडर्ड सरफेस, और इस पे हम कलर ले लेते हैं। तो हमेशा थोड़ा डार्क कलर लेने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये जो इतनी लाइटनेस आ रही वो लाइट की वजह से है, तो मैं थोड़ा सा डार्क ले रहा हूँ, ठीक है। अब सेंटर का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेंटर क्या है एरिया में ये सारा आएगा पहले, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये बीच का पार्ट, और ये भी ठीक नीचे नहीं चाहिए हमें, नीचे डीसेलेक्ट, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ये आई स्टैंडर्ड सरफेस, और इसको आप इस कलर को पिक करोगे इसमें, तो इसमें जो डार्क कलर है उसको पिक कर लेते, ठीक है। प्लस ये जो डार्क है अगर आप देखो ये पूरे पे है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ एक को सेलेक्ट करता हूँ इधर से, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का सिंबल, इससे आपकी जो सिलेक्शन है वो इंक्रीज होती है, और स्मॉलर देन के सिंबल से सिलेक्शन डिक्रीज होती है। ये रहा ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। तो शिफ्ट, हाँ शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन सिलेक्शन ग्रो करेगी, स्मॉलर देन सिलेक्शन डिक्रीज होगी। तो यहाँ तक मुझे सिलेक्शन करनी है, और राइट क्लिक, लास्ट मटेरियल जो मैंने डाला था वो यूज़ करूँगा, ये स्टैंडर्ड 5। तो असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, ऑलरेडी जो बन चुका है उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो हमने मटेरियल बनाया था ये वाला, अब देखो एक ऑब्जेक्ट में दो मटेरियल डल गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके फेस सेलेक्ट करके मटेरियल एट्रीब्यूट में जाना है, तभी उसका मटेरियल दिखेगा। जैसे इसका फेस सेलेक्ट करूँगा मटेरियल एट्रीब्यूट, तो इसका दिखेगा। तो ये जो है सेंटर वाला पार्ट, ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव है, ये थोड़ा मैट फिनिश में है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्टिव में ही रखते हैं अभी पूरा 100%, इसको थोड़ा मैट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसके रफनेस को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा कलर कॉम्बिनेशन हो चुका है, बस एक चीज करनी थी, ये जो टेक्स्ट है वो लिखना है। तो आपके पास ना यहाँ पे 3D टेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है, टेक्स्ट, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। बट अगर आप देखो तो ये फॉन्ट तो आपको मिल जाएगा, बट इसमें देखो कटिंग है, एन के साथ डी जुड़ा हुआ है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वो तो छोटा कर लेंगे, स्मॉल में ही है ना, डी कैपिटल, ओ ठीक है, तो डी कैपिटल रखा हमने। प्लस फॉन्ट हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट चेंज करते पहले इसको तो छोटा कर लेते। तो यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज है आपके पास छोटा करने के लिए, प्लस इसकी वो कितने दूर कितने पास, ठीक है। थिकनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें, ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ऑप्शन होता है, कहाँ गया, सेंटर कर लेते हैं, ज्योमेट्री डिस्टेंस, कौन गया, एक्सट्रूड का ऑप्शन होता है, ये रहा।
एक्सट्रूड डिस्टेंस, ठीक है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अब हमें इसके हिसाब से फॉन्ट चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अगेन आपको दो तीन चीज़ें हैं, टेक्स्ट में जाओ या ज्योमेट्री में जाओ, यहीं से आके आप चेंज करना। जैसे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना है, इसमें ऑफसेट का भी ऑप्शन है, पता नहीं क्यों ये दिया हुआ है। और अच्छा, एक्सट्रूड के डिविजन्स भी होते हैं, ठीक, देना चाहो तो दे सकते हो, बट इसको आप 3 नहीं प्रेस करोगे, 3 प्रेस करोगे तो ख़राब हो जाएगा, इसके बाद एडिट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको एक स्टैंडर्ड उसमें ले आते हैं लुक में, उसके बाद करेंगे। तो जैसे साइज़ वगैरह थोड़ा सा और फॉन्ट चेंज करते हैं साइज़, तो इसको 0.5 के अराउंड रखता हूँ मैं, ठीक है। प्लस अब फॉन्ट चेक करते हैं किस फॉन्ट पे वो ऐसा आएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, तो ये फॉन्ट लग रहा है यही है, ठीक है। वो आपके सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे वो यहाँ पे शो करेगा, हाँ। तो इस सैंडिस का अगर फॉन्ट इंस्टॉल करते हो तो वो शो करेगा। तो अभी हम इसी के साथ चलते हैं, यही लग रहा है हमें, ठीक है। बस इसमें हमें क्या करना है, ये जो डी की लाइन है वो हटानी पड़ेगी, तो थोड़ी सी मेहनत है इसमें। तो एक बार आप एक कर लो, उसके बाद हम चलते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं 90 डिग्री, -90, और इसको यहाँ पे प्लेस करके इससे मैच करा लेते पहले। तो खैर फॉन्ट ऐसा वाला लग नहीं रहा ये, बट फिर भी आप इसका फॉन्ट डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम में, तो उसके हिसाब से आप कर लोगे तो ये ठीक है। अब इसमें मुझे इस डी को ठीक करना है। अब ये आपका एडिटेबल होना चाहिए, ऑलरेडी एडिटेबल होता है ये, अगर आप देखो तो फेस वगैरह में जा सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये यहाँ से कट हो जाना चाहिए और एन के साथ पास में आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ सकते हो और यहाँ से कट भी कर सकते हो, तो चलो कर देते हैं इसको। तो इसी को सिर्फ आइसोलेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब के फेसेस को थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। तो ये देखो, टॉप फेस बॉटम फेस डिलीट कर दिया, और वर्टेक्स और सॉरी फेस मोड में जाके बीच की जो फेसेस हैं एम्प्टी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए यहाँ पे, डिलीट। और यहाँ से भी जो स्ट्रेट तक लग रहा है वहाँ तक डिलीट कर दो, और इनको ब्रिज, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, पास में कर दिया, ठीक है। यहाँ तक डिलीट, और जहाँ तक स्ट्रेट आपका लग रहा है वहाँ तक डिलीट कर दो इसे। ब्रिज और यहाँ से आप ऊपर के एजेस सेलेक्ट करके यहाँ से आप फिल होल करोगे और नीचे भी
थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा ढंग से एडजस्ट करो तो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी इक्वल चलना चाहिए था। खैर ये समझ आ गया होगा आपको पार्ट। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके अगेन जो पहला कलर हमने डाला था रेड वो डाल दिया। ठीक है, हो गया। अब इस इमेज को हाइड कर देते हैं। ग्रुप एंड आप इसको प्लेस कर सकते हैं इस पे। ठीक है, अब आप इसको रेंडर कर सकते हो। अब इसमें देखो ये उल्टा लिखा आ रहा है, किसको हो गया मैक्सिमम स्मूथ पे ये तो। अब इसका रेंडर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जाके तो मैंने एक प्लेन बना दिया, फ्रेम चेक कर लेते हैं कितना रेंडर में आएगा। और यहाँ पे व्यू क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू, ठीक है, और उस कैमरा को सेलेक्ट करके लॉक कर लोगे। अब बाकी का प्रोसेस वही वाला है जो लाइटिंग का आप करते हो। तो यहाँ से आप लाइट क्रिएट करोगे, अननोन में जाके लाइट्स, तो अभी मैंने सिर्फ दो लाइट लगाई हैं यहाँ पे, इनके चलते हैं चेक करते हैं इंटेंसिटी वगैरह फिर उसके बाद। और सबसे पहले मैंने बताया हुआ हमेशा नॉर्मलाइज ऑफ करना है और इंटेंसिटी थोड़ा बूस्ट कर दोगे आप, उसके बाद हम चेक करेंगे कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं और इंक्रीज करते हैं एक्सपोजर, ठीक है।
थोड़ा यहाँ पे शायद, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते जाओगे। हाँ लाइट का एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हमें लाइट के साथ देखना पड़ेगा वो। तो वो आपके लाइट कहाँ से फॉल कर रही है उस पर डिपेंड करता है। और चाहो तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी डार्क हो रहा है थोड़ा, तो एक लाइट उधर भी लगा सकते हो। इस पे भी शाइन आ गया। ठीक है, तो आपका ये रेडी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइटिंग सेट करके इसको रेंडर निकालोगे जैसे आपको लगता है कि उस हिसाब से, तो आपका ऐसे मॉडल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,